So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग के एक नए स्मार्टफोन की, जो होगा सैमसंग गैलेक्सी A50s स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A50 का सक्सेसर रहने वाला है। जहाँ दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप और 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा। वहीं दोस्तों मोबाइल फोन पर एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में कब लॉन्च किया जाएगा और किस प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ जानने के लिए बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन से। तो दोस्तों गैलेक्सी A50s स्मार्टफोन पर हमें ग्लास्टिक बैक और ग्रेडियंट कलर का यूज मिलेगा। वहीं ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप भी हमें मोबाइल फोन पर देखने को मिलता है, जैसे हम सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन पर देखने को मिलता था। अगर फ्रंट साइड की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 6.4 इंच के FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले और एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50 और A50s की परफॉर्मेंस में हमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि वही एक्सिनोस 9610 का चिपसेट मिलेगा, जहां हमें माली G72 MP3 का GPU भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि वही सेम चिपसेट हमें मोबाइल फोन पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम कैमरास की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा, जहां मोबाइल फोन का मेन कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का, जिस पर हमें सैमसंग GM1 का सेंसर मिलेगा। सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का जो वाइड एंगल सेंसर है। थर्ड सेंसर है 5 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर है। फ्रंट की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 32 मेगापिक्सल का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के अंदर एक सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से गैलेक्सी A50s पर एक बेहतरीन कैमरे हमें देखने को मिलते हैं। वहीं बैटरी की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो 15 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी, यानी कि बॉक्स के अंदर ही हमें फास्ट चार्जिंग का अडॉप्टर देखने को मिल जाएगा। टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो आउटपुट जैक भी हमें मोबाइल फोन पर देखने को मिलते हैं। वहीं मोबाइल फोन पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 पाई और सैमसंग वन UI भी हमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी A50 का पैकेज। तो ऐसे में ये स्मार्टफोन एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। अगर लॉन्च डेट की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन सितंबर के मंथ में हमें इंडिया की मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों इस मोबाइल फोन की बेस वेरियंट का प्राइस, यानी कि 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के प्राइस हमें 19,999 रुपये देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जिस प्राइस रेंज में सैमसंग गैलेक्सी A50 को लॉन्च किया गया था, सेम वही प्राइस हमें सैमसंग गैलेक्सी A50s के भी देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 19,999 रुपये में हमें एक अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जहाँ हमें 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मुझे पूरी आशा है कि आपके वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।